बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन किसी को भी राज्य में रोजगार नहीं मिल पाया है, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांग रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार बन गई, पौने चार साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जारी रहेगा।